अखिलेश यादव ने कहा है कि एनडीए के घटक दल भाजपा के साथ संतुष्ट नहीं है और जल्द ही भाजपा के सहयोगी उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान पर खुद यूपी में एनडीए के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद पार्टी ने आगे आकर अखिलेश यादव को जवाब दिया है। अपना दल एस के महासचिव और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव को हर चुनाव में जनता ने नकार दिया है और ऐसे में उन्हें ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। अखिलेश के इस आरोप पर भाजपा के एक और सहयोगी संजय निषाद ने भी कहा है कि अखिलेश यादव पहले अपना कुनबा बचाए। जिसको जनता ने 2022 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और अभी जो कुछ समय पहले उपचुनाव हुए हैं उसमें नकार दिया है, तो उसके पास बोलने के लिए बचेगा क्या? मेरा तो इसमें स्पष्ट मानना है कि अगर किसी प्रकार की कोई बेईमानी हुई होती तो 5 सीट भी नहीं आती उनकी। निश्चित तौर पर 2019 के लोकसभा में उनको जो सीटें मिली हैं वो कहाँ से मिल गई? अपनी हार को ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए और जनता के बीच आकर के काम करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जिस मजबूती से जनहित में काम कर रहा है, जनता इसलिए एनडीए के साथ खड़ी है, विपक्ष के पास कोई बहाना नहीं है, तो इधर उधर के आरोप लगाएंगे। ये कहना उनका गलत है कि हम लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, और हम लोग संतुष्ट हैं सारे हम लोग, और उनको तो मैं यही राय दूंगा कि पहले अपने लोगों को संतुष्ट करें, अपने कुनबे को बचाएं जो उनके लोग इधर उधर जा रहे हैं। और मोर्चा तो उनको क्या कहा जाए, वो 2017 से मोर्चा बन रहा, 2017-18, 2019, 2022, तो ये मोर्चा से नहीं कुछ होता है और नीतियों से होता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।